वेलकम बैक पीपल, स्वागत है आपका हिंदुस्तानमिरर.com पर। चलते हैं आज के अगले टॉपिक के तरफ, जो कि निर्भया गैंग रेप से जुड़े कुछ अहम सबूतों के बारे में है। तो बता दें कि 7 साल बाद निर्भया गैंग रेप मामले में पीड़िता के परिवार को अब इंसाफ मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गैंग रेप के 4 आरोपियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 4 दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी दी जाएगी। लंबे इंतजार और लंबी लड़ाई के बाद निर्भया के परिवार को इंसाफ मिला है। 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में निर्भया के साथ हैवानियत की गई थी। निर्भया के साथ की गई दरिंदगी की खबरें जब सामने आई तो देश और दुनिया भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया था। 7 साल लंबे चले इस केस में अहम कड़ी निभाई उस बस ने जिसमें निर्भया के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया गया था। फिर बस के अंदर मिले थे कुछ सबूत जिसने इस केस में मुजरिमों को दोषी ठहराने में मदद की। इस पूरे केस में बस और उसके अंदर मिले सबूत पूरे मामले की जांच के दौरान अहम कड़ी साबित हुए। इस अहम सबूत ने निर्भया के दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। निर्भया केस में अहम रोल निभाने वाली सफेद बस आजकल कंडम हालत में दिल्ली के सागरपुर इलाके में खड़ी हुई है। अब आइए एक नजर डालते हैं उस पूरे हादसे पर कि कैसे उन मुजरिमों ने प्लान किया था ये जुर्म। सफेद रंग की बस जिसका नंबर था 0149 16 दिसंबर की रात रविदास कैंप में रोजाना की तरह खड़ी हुई थी। बस के मुख्य ड्राइवर राम सिंह ने प्लानिंग की और अपने साथी मुकेश, अक्षय, पवन, विनय और एक नाबालिग बस क्लीनर के साथ बस लेकर चल पड़ा। राम सिंह ने आरकेपुरम में CNG डलवाई और फिर अफ्रीका एवेन्यू से होते हुए IIT फ्लाईओवर पुलिस कॉलोनी पर पहुंचे, जहां एक शख्स बस रोकता है और उसमें सवार हो जाता है। बस में सवार राम सिंह और उसके साथी पहले से ही प्लान बनाकर निकले हुए थे। उन्होंने उस शख्स को लूटा, उसे बीच रास्ते पर फेंक कर फिर निकल गए। बस वहां से मुनिरका बस स्टैंड पहुंची, जहां निर्भया और उसका दोस्त बस में सवार हो गए। बस में मेहरून कलर के पर्दे लगे हुए थे। ड्राइवर के पास शिव जी की मूर्ति लगी हुई थी। फिर बस में सवार होते ही वो कंडक्टर के पीछे वाली सीट पर बैठ गए। निर्भया को देखकर एक आरोपी अश्लील टिप्पणी करने लगा। जैसे ही उसके दोस्त ने रोका तो बस में सवार उसके बाकी साथियों ने उसके साथ मारपीट की और फिर निर्भया का दोस्त बस की सीट के नीचे जाकर छुप गया। उसके बाद निर्भया के साथ बारी बारी से सभी आरोपियों ने रेप किया और हैवानियत की। ये सभी निर्भया का वो दोस्त बस की सीट के नीचे से देख रहा था। जैसे ही बस महिपालपुर पहुंची, उन्होंने दोनों को चलती बस से नीचे फेंक दिया और बस से रोंदने की कोशिश की। फिर वे बस को एक सुनसान इलाके में ले जाकर अच्छी तरह से धो दिए ताकि सारे सबूत खत्म हो जाए और भगवान की मूर्ति भी हटा दी। इसके बाद बहुत दिनों तक पुलिस जाँच के दौरान 17 दिसंबर को पुलिस के फोन पर किसी ने पहले सफेद रंग की बस जिस पर यादव लिखा हुआ था उसकी जानकारी दी। फिर CCTV से भी कुछ सुराग मिले, लेकिन बस का नंबर नहीं मिला था। पुलिस के एक मुखबिर ने उन्हें यादव ट्रेवल्स के सफेद बस की जानकारी दी जो आरकेपुरम रविदास कैंप में लगी थी। फिर क्या था, पुलिस ने बस के साथ साथ इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। फिर बाद में पुलिस को बस से निर्भया के बाल, उसके शरीर के मांस के टुकड़े और खून के नमूने मिले। पुलिस को बस में वह लोहे की रॉड भी मिली जिससे निर्भया को पीटा गया था। बस की सीट पर खून के निशान मिले थे। ये सबूत इस केस के लिए अहम साबित हुए, जो कि इन सब को मुजरिम करार करने के लिए काफी थे। तो पीपल्स, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ऑल कर लें ताकि लेटेस्ट न्यूज और इस तरह की जानकारियां आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।